नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। भारत में रहने वाला हर शख्स अक्सर किसी न किसी बाबा के झूठे चमत्कार का शिकार हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ढोंगी बाबाओं की बातों में आकर उनकी ढोंगी हरकतों पर यकीन कर लेते हैं, और जब उनको सच्चाई का पता चलता है तो उनको काफी अफसोस होता है। ऐसा ही एक मामला फिर से देखने को मिला है, जहां पर एक बाबा के बहकावे में आकर कई लोग चमत्कार देखने के लिए एकत्र हुए, परंतु बाद में कुछ ऐसा हुआ जो खुद बाबा को ही भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार ये मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास कठिया का बताया जा रहा है। गांव वालों को लंबे समय से यहां रहने वाला 42 साल का शिवदास बंजारे बेवकूफ बना रहा था। बाबा का दावा था कि उनके अंदर दैवीय शक्ति मौजूद है। वह लगभग एक महीने से गांव वालों को उल्लू बनाता आ रहा है। उसने लोगों से कहा था कि बिना तेल के अपने घर में समाधि लेकर खाना बना रहा है और खा रहा है। इतना ही नहीं, उसने ये दावा भी किया कि उसकी दैवीय शक्ति के कारण वह पानी के ऊपर भी आराम से चल सकता है। इस बात का सबूत लेने के लिए गांव वालों ने उसे गांव के मंदिर के पास बने तालाब के पास बुलाया। बस यहीं उससे भारी मिस्टेक हो गई। इसके बाद कुछ अंधविश्वासी लोग बाबा की पूजा करने लग गए। बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहां आने लगे। बाबा की वजह से गांव में मेले सा माहौल बन गया। इस दौरान बाबा ने गांव के तालाब के ऊपर चलकर एक छोर से दूसरे छोर तक चलने का ऐलान कर दिया। गांव के तहसीलदार, पटवारी और थाना प्रभारी खुद भी चमत्कार देखने आए। इसके बाद बाबा जैसे ही पानी पर चलने का प्रयास करने लगा, परंतु थोड़ी ही देर में वहां सन्नाटा पसर गया। बाबा पानी एक ऊपर चलने के कोशिश में तैरने लगा। इसके बाद थोड़ी गहराई में जाते ही वह डूबने लगा। इसके बाद वहां मौजूद गोताखोर की टीम ने बाबा को बाहर निकाला। बाबा की असलियत सामने आने के बाद धीरे धीरे अंधभक्त भी वहां से हटने लगे।